हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ आपकी प्यारी रीना। प्यारी हूँ ना? अरे नहीं भी हूँ ना, कोई बात नहीं, पर जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनके लिए तो प्यारी हूँ। तो चलिए, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ स्पेशल कढ़ी। और मेरे घर में सबको कढ़ी बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को। और वीरवार है तो वीरवार को मैं स्पेशल जरूर ही कढ़ी जरूर बनाती हूँ। तो आइए आपको आज कढ़ी सामग्री। बना रहे हैं तो कढ़ी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है दही या लस्सी। तो मेरे पास लस्सी है, मैं लस्सी से कढ़ी बनाऊंगी। और एक है इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो है कि बेसन। ये बेसन है और मैं बताती हूँ, ये हरी मिर्च, लाल मिर्च यूज करते हैं पर मैं हरी मिर्च डालती हूँ। ये थोड़ा सा धनिया, जीरा, मेथी और हींग। हींग तो मस्ट है क्योंकि बेसन की कुछ भी चीज़ बनाओ उसमें हींग यूज़ ज़रूर करते हैं। और हल्दी, और ये है मेरा नमक। एंड मैं बनाऊंगी सरसों के तेल से जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मैंने गैस ऑन, जो कि मेरा फेवरेट लोहे का कढ़ाई है, और तेल, ज़्यादा तेल नहीं डालती हूँ, जितना यूज़ हो उतना ही डालती हूँ, मैनेज करती हूँ, क्योंकि एक ही तेल में बार बार फ्राई करना अच्छा नहीं होता। जब तक तेल गरम हो रहा है, हम निकालते हैं पकौड़ों के लिए ये रहा बेसन। बहुत ज़्यादा नहीं, हम पांच लोग हैं, पांच लोग के लिए काफ़ी है। और ये गया इसमें बेसन, दो चम्मच इसमें और डेढ़ चम्मच इसमें, काफ़ी है पकौड़ों का। और ये घोल का, इसमें थोड़ा हल्दी गया, इसमें गया थोड़ा हल्दी, एंड थोड़ा सा हींग पकौड़ों में डालूंगी। और उसमें तो अच्छा तड़का लगाने के टाइम में डालूंगी, बस थोड़ा सा नमक जो कि स्वाद अनुसार होता है। और ये भी अभी नहीं डालूंगी। काफ़ी है यहाँ पे मैं मिस कर रही हूँ करी पत्ता, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। मैं उड़ीसा में अपने मायके में थी तो वहाँ पे सबके घरों में पेड़ पौधा पेड़ लगे होते हैं, करी पत्ता तो हर किसी के घर में होता है, तो जब मर्जी ले लो तोड़ लो। यहाँ मैं कोशिश करी हूँ एक दो बारी लगाने का पर नहीं हुआ। अभी फिर लगाई हूँ, छोटा सा पेड़ है उस पर दो चार पत्ते, तो उसको मैं नहीं निकालना चाहती हूँ। तो कोई बात नहीं, करी पत्ता नहीं है तो हम यूज करेंगे कसूरी मेथी, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे लस्सी और बेसन का घोल भी रेडी हो गया, और मिर्ची को भी काट के चीरा लगा ली हूँ, और छोटे छोटे आलू काट कर उसको भी मैं बेसन के अंदर डाल के उसके पकौड़े छोटे छोटे बनाऊँगी, अच्छा टेस्ट आ जाता है थोड़ा। ये और बेसन की ज़रूरत पड़ी मुझे, आलू ज़्यादा पड़ गया था तो और थोड़ा बेसन ली हूँ। और बस अच्छी तरह से मिक्स करके उसको पकौड़े तल कर पानी में निकाल दी। और अब हम लगाएंगे तड़का। तड़का में पहले हरी मिर्च गया, फिर थोड़ा सा हींग जाएगा, सारा धनिया, मेथी और जीरा का तड़का गया, और कसूरी मेथी, सारा कुछ कसूरी मेथी सॉरी सब डाल दी। और ये गया मेरा लस्सी और बेसन का घोल। बस अब ये लोहे के कढ़ाई से मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी पतीले में, इतना छोटे कढ़ाई में बस पकोड़े तलने के लिए सही होता है। हो गया, बस अब थोड़ा उबाल आ गया, अब उसमें मैं पकोड़े को डाल दी, एक उबाल आते ही डाल दी, और बस 10 मिनट तक पकाना है उसे कंप्लीट। हरी धनिया डालकर रेडी मेरी कढ़ी। आप लोग भी ऐसा बना के खाइए, देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है ये, सच में बहुत ही टेस्टी है। वाह,